हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट की। तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोल होता क्या है। तो अगर किसी भी एलिमेंट के हमारे पास 6.023 × 10³³ एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे कि हमारे पास उस एलिमेंट का एक मोल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यानी जो एक मोल होता है किसी भी एलिमेंट का वो इक्वल होता है 6.023 × 10³ एटम्स के बराबर या फिर उसके इतने ही मॉलिक्यूल्स के बराबर। ठीक, तो एक मोल को हम एक और तरीके से देख सकते हैं। वन मोल जो होता है वो इक्वल टू होता है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो एक एलिमेंट का जितना ग्राम एटॉमिक मास होता है वो भी वन मोल के इक्वल होता है। तो अगर हम एग्जांपल के लिए देखें, तो अगर हमारे पास 6.023 × 10³ एटम्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है अगर ऑक्सीजन के, तो उसको हम कहेंगे कि वो वन मोल ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है। ठीक, इसी टाइप से अगर हमारे पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको भी हम वन मोल ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है वो उसका ग्राम एटॉमिक मास है। ठीक, अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, और अगर उसको लगभग डबल कर दें यानी 16, तो वो हो जाता है उसका एटॉमिक मास। और अगर हम उस एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिखें तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये 16 ग्राम्स है वो उसका ग्राम एटॉमिक मास है। ठीक है, तो हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल के लिए यहाँ पे न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो हमें पूछा है कि जो 5 ग्राम कैल्शियम होगा उसमें कितने मोल्स होंगे, हमें ये बताना है। और एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम भी दिया है, वो है 40। वैसे भी हमें पता है कि अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है किसी भी एलिमेंट का तो उसका जो एटॉमिक मास होगा वो लगभग डबल होता है। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, तो लगभग डबल हो गया उसका 40। तो जो 40 हो गया वो हो गया इसका एटॉमिक मास, और जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक मास के ही बराबर होता है, बस उसको हम ग्राम्स में लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम के मोल्स बताने हैं कितने मोल्स होंगे। तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ जो कैल्शियम होगा वो इक्वल टू होगा जितना उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा, इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। अब हमारे पास इसका मतलब 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू हो गया तो ग्राम एटॉमिक मास होगा वो एटॉमिक मास के ही इक्वल होता है, बस उसको हम ग्राम्स में लिखते हैं। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू हो गया 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम के। ठीक है, लेकिन हमें पता करना है कि 5 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे। तो अगर हम यूनिटरी मेथड का यूज करें यहाँ पे, जो बचपन से हम यूज करते हैं, तो 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम में है 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। तो अगर हम 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम में मोल्स चेक करना चाहें कि कितने मोल होंगे इसके, तो हमने मान लिया यहाँ पे x मोल। ठीक है, अब ये जो हमने लिखा है इसको हम ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, तो ये अगर इसको और सिंपल लिख लो तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 40 हो गया, ये x हो गया, यहाँ पे ये 5 हो गया। ठीक है, इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ नंबर्स को लिख लिया और बाकी हमने जो इसकी लैंग्वेज थी उसको हटा दिया। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा, ये 40x = 5 आ गया, तो x = 5/40 हो जाएगा, यानी 5 × 5 = 5, 8 × 40। अगर इसको और हम डिवाइड कर लें तो ये पॉइंट आ जाएगा 8 × 1 = 8, बचा 2 × 20 = 2 × 16 = 45। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम में जो होंगे वो होंगे 0.125 मोल्स। तो जो मोल कॉन्सेप्ट पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस टाइप से होता है, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमें 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन का ग्राम्स में उसका मास बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन होगा वो इक्वल टू होता है उसके ग्राम एटॉमिक मास के, और अगर हम देखें तो जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, उसका डबल हो गया उसका एटॉमिक मास यानी 14, और ग्राम एटॉमिक मास की बात करनी है तो 14 ग्राम्स हो गए। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में 14 ग्राम्स होते हैं। अब हमें निकालना है कि 3 मोल्स में कितने होंगे, तो 3 मोल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखा हमने 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और हमने मान लिया कि जो वो 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन में ग्राम्स में जो उसका मास है वो x है। तो अगर इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर ले तो सिर्फ नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 जब मोल था तो वो इक्वल टू था 14 ग्राम्स के, और जब 3 मोल्स हैं तो वो इक्वल टू है x ग्राम के,
तो अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहां से हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी तो हमारे पास 3 मोल्स में कितना ग्राम है नाइट्रोजन का वो पता लग जाएगा। ठीक, यहां से ये हो गया एक्स इंटू 1 = 14 × 3। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो एक्स इक्वल टू 14 × 3 = 42 ग्राम्स होगी। ठीक, तो हमारे पास जो नाइट्रोजन का मास है ग्राम्स में वो 3 मोल्स में 42 ग्राम्स होगा। तो अगर मोल कॉन्सेप्ट में एक और टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो वो कुछ इस टाइप से होता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन वेटिंग 2.8 ग्राम्स और एटॉमिक मास ऑफ आयरन दिया है 56। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें नंबर ऑफ एटम निकालने हैं आयरन के जिसका वेट हमें दिया हुआ है 2.8 ग्राम्स है और हमें उसका एटॉमिक मास भी दिया है 56 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में हमें एटम्स पूछे हैं तो हम मोल्स को एटम के टर्म में लिखेंगे, जहां पे हमें ग्राम्स में दिया होगा वहां पे हम मोल को ग्राम्स के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ आयरन जो होगा वो होगा इक्वल टू होगा 6.023 × 10³ एटम्स के। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि 1 मोल ऑफ जो आयरन होता है वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल भी होता है, और ग्राम एटॉमिक मास के ही इक्वल होता है, बस उसको हम ग्राम्स में लिखते हैं। तो यानी 1 मोल ऑफ आयरन 56 ग्राम के इक्वल भी है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें ग्राम्स और एटम के बीच में रिलेशन दिखाना है कि कितने एटम्स होंगे इतने ग्राम में, तो हम इन दोनों में रिलेशन डेवलप करेंगे। तो 1 मोल ऑफ आयरन इतने एटम्स के इक्वल भी होता है और 1 मोल ऑफ आयरन इतने ग्राम्स के इक्वल भी होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं जो 56 ग्राम्स ऑफ आयरन है वो इतने एटम्स के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 56 ग्राम ऑफ आयरन है वो इक्वल टू हो गया 6.023 × 10³ एटम्स की। ठीक है, अब 2.8 ग्राम्स ऑफ आयरन में कितने एटम्स होंगे वो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 2.8 ग्राम्स ऑफ आयरन और इक्वल टू मान लेते हैं इसमें जो एटम्स हैं वो एक्स हैं। ठीक है, अब इसको यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, जितना एक्स आएगा उतने इसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 56x = 2.8 × 6.023 × 10³ इतने एटम्स हैं। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2.8 × 6.023 × 10³ और ये नंबर चला जाएगा 56/1। ठीक, यहां से ये पॉइंट हटा लेंगे तो ये जीरो बढ़ जाएगा, 28 × 1 = 28, 28 × 2 = 56, तो ये आ जाएगा इतना। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास बचा x इज इक्वल टू 6.023 × 10³/23/20। इस 10³ को मैंने लिख लिया 10²² × 10। ठीक है, ताकि हम इसको इसको कैंसिल कर ले। अगर मैं यहां से इसको 0 से 0 हटा दूं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा ये 2 और यहां बचा ये ऊपर बचा ये 6.023 × 10²² और अपॉन में बचा 2। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसकी 10²² को 10²² × 10 लिख सकता हूँ। उसको लिख लिया मैंने 6.023 × 10²² × 10/2, 2 × 1 = 2, 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 5 × 3 = 15 हो गया, कैरी 1, 5 × 2 = 10, 1 = 11, तो ये 11 हो गया पॉइंट, और 5 × 6 = 30 हो गया, तो ये इक्वल टू हो गया 30 × 10²². ठीक है, या इसको मैं और सिंपल टर्म्स में लिख लूँ तो x इज इक्वल टू आ जाएगा इस पॉइंट को, और इधर भी आता है तो इधर ले आऊंगा तो ये आ जाएगा 3.0115, और ये क्योंकि पॉइंट हमने इधर को शिफ्ट कर लिया तो यहाँ पावर बढ़ जाएगी, तो 10²² एटम्स। ठीक, तो जो 2.8 ग्राम्स ऑफ आयरन होगा उसमें 3.0115 × 10²² एटम्स होंगे। ठीक, तो मोल कॉन्सेप्ट पे बेस एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट्स 12 ग्राम्स, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि अगर 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो 12 ग्राम्स के इक्वल है तो उस कार्बन के 1 एटम का मास बताओ ग्राम्स में। ठीक है, हमें दिया है कि 1 मोल इक्वल है 12 ग्राम्स के। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन जो दिया हुआ है हमें
वो हमें दिया हुआ है 12 ग्राम्स के इक्वल। और हमें ये भी पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन को हम 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 1 मोल ऑफ कार्बन है और ये भी 1 मोल ऑफ कार्बन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन जो होगा वो 6.23 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स के होगा उस कार्बन के। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन है वो इक्वल टू है 6.23 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन के, ठीक है। और हमें एक एटम का मास बताना है ग्राम्स में। तो अगर इतने एटम्स का जो मास है वो 12 ग्राम्स है तो हम एक एटम का मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि 12 ग्राम्स जो है कार्बन वो इक्वल टू है 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स के, ठीक है। और हमें निकालना है यहाँ पे मास एक एटम का। तो हमें पता है कि इधर एटम जो है वो एक है और यहाँ मास निकालना है वो हमें पता नहीं है, तो हमने उसको x कंसिडर कर लिया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और सॉल्व कर लें। तो इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर। तो यहाँ ये 6 है, यहाँ ये 12 है। अगर इसको हम कैंसिल करें तो अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम्स, ठीक है। तो जो हमारे पास मास होगा एक एटम ऑफ कार्बन का वो लगभग होगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम्स, ठीक। तो इसी के साथ आपका मोल कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। तो आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चन इस पर डिस्कस करे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।